चिलुआताल पुलिस एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ में चार अंतरजनपदीय शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिरी की सूचना पर चार अभियुक्तों को स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहा व मुगलाह पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान श्याम दुबे पुत्र त्रियुगी दुबे निवासी पकवाझार डुमरी थाना कसिया जनपद कुशीनगर, दूसरा अखिलेश कुमार पुत्र नगीना शाह निवासी कैलाश नगर थाना बगहा जिला पश्चिम चंपारण बिहार, तीसरा गुड्डू सिंह पुत्र कैलाश सिंह निवासी बसंतपुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया, चौथा हरिराम राजभर पुत्र शिव राजभर निवासी पकवाझार परसुनिया टोला थाना कसिया जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से तीन चोरी का मालवाहक चार पहिया गाड़ी, चोरी का एक मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, चोरी में प्रयोग की गई गैस कटर, 5.5 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि जब पुलिस फोर्स की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्तगढ़ को पकड़ने हेतु स्पोर्ट्स कॉलेज चौराहे के पास पहुंची तो पुलिस वालों को देखकर अभियुक्त श्याम दुबे द्वारा घबराहट में मोटरसाइकिल को घुमाकर भागने का प्रयास किया, परंतु वह मौके पर ही गिर गया। इसी क्रम में अभियुक्त श्याम दुबे द्वारा पकड़ लिए जाने के डर से पुलिस वालों पर एक राउंड फायर भी किया, परंतु पुलिस ने अपने सुरक्षा करते हुए अभियुक्त श्याम दुबे और उसके साथियों को बिना किसी क्षति के गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा पहले गाड़ियों को चोरी करके उन्हीं चोरी की गाड़ियों से अवैध गांजा एवं मादक पदार्थ को बेचने का कार्य किया जाता है और मादक पदार्थ गांजा को बेचने के उपरांत पकड़े जाने से बचने के लिए गैस कटर की मदद से चोरी की गाड़ियों को काट कर गाड़ी को बेच दिया जाता है तथा पहले भी हम लोगों द्वारा दर्जनों गाड़ियों को पार्ट पार्ट में काट कर कबाड़ी के हाथों बेच चुके हैं। उन्होंने बताया कि चारों अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया और गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम दिया जाता है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चिलौताल थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक सोनेन्द्र सिंह, एसओजी प्रभारी मनीष कुमार यादव, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय, उप निरीक्षक घनश्याम उपाध्याय, बाल गंगाधर शुक्ल, कांस्टेबल सोनू यादव, धर्मेंद्र यादव, विजय कुमार गौर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, राजघाट वाली 8 और ये 8 भी है ना, किसी का किया किसी ने कोई जानकारी नहीं है। बाइक कहाँ से लाया है? बाइक परिवार की चोरी की इन्होंने। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम लगाने के लिए आज एक अंतर राज्यीय गैंग वाहन चोरों का पर्दाफाश किया है। इसमें थाना चिलुआताल एवं राजघाट तथा सर्विलांस एवं एसओजी द्वारा एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, जिसमें 3 टाटा एस मैजिक गाड़ियां, 1 चोरी की मोटरसाइकिल एवं पुलिस मुठभेड़ में बरामद किया गया एक असला एवं एक अदद मोबाइल एवं
5.5 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें जो सरगना है, मुख्य सरगना, उसका नाम श्याम दुबे है, जो कुशीनगर का रहने वाला है, बिहार के रहने वाले अखिलेश नाम का है, ये पश्चिमी चंपारण बिहार का रहने वाला है, जो कि यहाँ से गाड़ियाँ ले जाने के बाद में बिहार में बेतिया में गाड़ी कटान का काम करता था। गुड्डू सिंह और हरे राम नाम के देवरिया एवं कुशीनगर के रहने वाले 2 और अभियुक्त भी इसमें गिरफ्तार किए गए। इन लोगों ने थाना राजघाट में, थाना कैंट में एवं खलीलाबाद में 3 जगहों पर चोरी की गई गाड़ियां जो है, ये इसी साल की चोरी की गई गाड़ियां हैं, लेकिन ये 2 साल से सक्रिय थे एवं पहली बार पकड़ में आए। शहर में रहने का इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग आते थे, घटना करते थे, घटना करने के बाद में वापस चले जाते थे। इनका अन्य जिलों से भी ये चोरियाँ करते रहे हैं एवं बिहार, यहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ हैं चोरी करके बिहार ले जाते थे एवं बिहार से भी गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ आसपास की कबाड़ियों में बेचते थे। सारी कबाड़ियों में पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ कहाँ गाड़ी कटान करते थे, क्योंकि इनके पास से गैस कटर भी बरामद हुआ है, जो श्याम दुबे, जो मुखिया सरगना है, ये गाड़ी कटान का काम करता है। बेतिया में एक टीम बनाकर, स्पेशल टीम बेतिया जाएगी DIG सर की परमिशन के बाद में, और अखिलेश जो कि बिहार से हैं, ये गाड़ी कटान का काम बिहार में करवाते थे और यहाँ से खरीदने थे गाड़ी लेने के बाद में। इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, जिससे उन्होंने पुलिस पर फायर किया था।